भालू बता रही आया तो एक्चुअली हमने वो देखा हुआ है पहले। नानी के यहाँ आइसक्रीम वाला क्या वहाँ तो डमरू बजा बजा के आता था आइसक्रीम लेने, है ना? तुमको क्या याद आता है? आइसक्रीम लेने नहीं, नानी के यहाँ जाते थे तो बंदर वाला नहीं आता था, बंदर भालू वाला भी आता था यार। भालू का हम लोग तो वही देखे नानी के घर ही, भालू का डांस जब लोग नहीं भालू जो भालू मदारी आया तो एक्चुअली हमने वो देखा हुआ है पहले, होता था पता है नानी के यहाँ देखे है, बहुत मरिया सा भालू लेके आता था और ऐसे बजाया था, बस दो टांग में से खड़ा हो दुकान में ना। नानी का बचपन बहुत छोटे की याद है मेरे को, तो पैसा नहीं था या फिर मतलब होता है ना लोग जनरली गांव में पैसा यूज भी नहीं करते हैं, तो धान गेहूँ चावल ये सब दाल ये हो गया अनाज कोई भी है ना, तो थोड़ा सा ले जाओ और मिक्सर कितना थोड़ा सा चाहिए होता था तो दे देते थे, तो अपने हिसाब से वो दुकान वाला निकाल के दे देता था मिक्सर। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ मतलब नानी घर और मौसी घर ही ऐसे तो गाँव वाले एरिया में देखने को मिलता है, दादी घर तो हम लोग कुछ नहीं देखे ही नहीं। वैसे मैं भी था, बाप रे ये तो इससे भी ज्यादा था, मतलब उसको कुछ भी बना के दे दो कुछ खाता ही नहीं था, बहुत सेलेक्टिव चीजें जैसे आलू का पराठा हो गया है बना तो खाता, जो खाता था आलू का पराठा ना तो एक दो तीन नहीं खाता था, चार पांच छह खाता था, और उसके बाद सबके खाने के बाद बच गया ना, तो रात में रखा हुआ है कैसरोल में तीन चार पराठा, सुबह हम तो सोचते थे यार चलो हम तो दो तीन खा लिए पेट भर गया मेरा सुबह उठ के खाएंगे, सुबह कैसरोल खोल के देखे कि एक पराठा का टुकड़ा भी बचा हुआ है, हमारी सुबह में गायब क्या हो गया भाई, कौन खा गया, पता चला ये वहां से 12 बजे 1 बजे उठ के खा रहा है बेटा, ऐसा होता सेवई पूरी इसको पसंद था भाई, सेवई तो बचपन से हमको याद है जब से ये सेवई खा रहा था, हर दिन बनता था पूरी सेवई, हर दिन सेवई नहीं पूरी जरूर नहीं सेवई भी बनता था, सेवई पूरी उसके साथ सब्जी भुजे थे तो उसको जरूरत नहीं है, सब्जी और भुजे जो देते थे ना पहले खा जाता था, सेवई को ना ऐसे प्लेट से ऐसा ढक लेता था